हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे हैव ब्रॉट यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर सेवन इन क्लास फिफ्थ लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिमोट कंट्रोल किड मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है जिस जिसपे मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया है और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं इट हैज ओनली ट्वेल्व क्वेश्चन आंसर्स एंड दे आर वेरी वेरी ईजी बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर टोनी एंड डेजी टोनी और डेजी कौन थे? सो आंसर है वर ब्रदर एंड सिस्टर्स क्वेश्चन नंबर टू इज वॉट वॉज टोनी डूइंग सिटिंग इन द लॉन्ग टोनी लॉन्ग में बैठ करके क्या कर रहा था सो आंसर इज ही वॉज गोबलिंग स्वीट सिटिंग इन द लॉन्ग वो गोब्लिंग uh, गोबलिंग का मतलब मैंने बताया था ईटिंग ग्रीडीली, जल्दी जल्दी से खा रहा था स्वीट मिठाइया सिटिंग इन द लॉन्ग लॉन्ग में बैठ करके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्र वॉज मम एट दैट टाइम उस टाइम पर मम्मी कहाँ पर थी सो आंसर इज शी वॉज इन द किचन दैट टाइम वो उस टाइम पर किचन में थी क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज वॉट वॉज डैट डूइंग डैट क्या कर रहे थे सो आंसर इज ही वॉज फिक्सिंग द रिमोट कंट्रोल फॉर द वीडियो गेम वो रिमोट कंट्रोल फिट फिक्स कर रहे थे किस चीज़ का वीडियो गेम का क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड मम वॉन्ट टोनी टू हेल्प हर मम किस तरीके से टोनी की हेल्प चाहती थी सो आंसर इज शी वॉन्टिड टोनी टू हेल्प हर विद द डिनर वो टोनी की हेल्प डिनर प्रिपेयर करने में चाहती थीं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वॉट डिड डैड गिव टोनी टू होल्ड केयरफुली डैड ने टोनी को क्या दिया था केयरफुली uh, uh, मतलब सावधानी से पकड़ने के लिए सो so आंसर है ही गिव टोनी अ माइक्रोचिप टू होल्ड केयरफुली उन्होंने टोनी को एक माइक्रो चिप दी थी जिसे वो केयरफुली मतलब सावधानी से पकड़े क्वेश्चन नंबर सेवन इज वाई डिड मम वॉन्ट टू कॉल इन द डॉक्टर मम मतलब माता श्री जो मम्मी थी वो डॉक्टर को क्यों बुलाना चाहती थी सो आंसर है शी वॉन्टेड टू कॉल इन डॉक्टर वो डॉक्टर को बुलाना चाहती थी बिकॉज टोनी हैड सोलोड द माइक्रोचिप क्योंकि टोनी ने माइक्रोचिप को निगल लिया था मैंने बताया था ना कि धोखे से उसने uh, मिठाई की जगह पे माइक्रोचिप खा ली थी इसीलिए मम्मी वरीड हो गई थी क्वेश्चन नंबर एट इज वॉट वॉज डैड नॉट वरीड अबाउट एंड वाई डैड uh, किस चीज़ के लिए चिंतित नहीं थे और क्यों चिंतित नहीं थे सो आंसर इज डैड वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट टोनी हैड सोल्व द माइक्रो चिप डैड इस चीज़ में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे कि टोनी ने माइक्रोचिप खा ली है क्योंकि इट वॉज़ एज टाइनी एज अ टॉफ़ी ये एक बिल्कुल टॉफी के जितनी ही छोटी थी क्वेश्चन नंबर नाइन इज़ वॉट प्ले का बटन रिमोट पर दबाया टोनी स्टार्टेड प्लेइंग टोनी ने अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर दिया क्वेश्चन नंबर टेन इज वाईड डैड वॉन्ट टू रश टोनी टू हॉस्पिटल डेड टोनी को हॉस्पिटल से आंसर है डैड वांटेड टू तो रश टोनी टू हॉस्पिटल डैड चाहते थे कि टोनी को फटाक से हॉस्पिटल ले जाया जाए बिकॉज टोनी वाज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन ऑन रिमोट कंट्रोल क्योंकि टोनी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगा था जो कि रिमोट पर दिए जा रहे थे जब डैड ने प्ले दबाया तो वो खिलौने से खेलने लगा फॉरवर्ड दबाया तो पूरे कमरे में भागने लगा इस तरीके से वो हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था जो रिमोट पर डैड प्रास कर रहे थे क्वेश्चन नंबर इलेवन इज वाई डिड मम वॉन्ट टू लेट द चिप रिमेन वेयर इट वॉज मम क्यों चाहती थी कि चिप वहीं रहे जहाँ पर है तो इसका आंसर है मम वॉन्टेड टू लेट द चिप रिमेन वेयर इट वॉज मम चाहती थी कि वो चिप वहीं बनी रहे जहाँ पर है क्योंकि शी वॉन्टेड टू मेक टोनी फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्योंकि वो चाहती थीं कि सो so टोनी उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे विश शी वुड गिव हिम विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल जो वो उसे देंगी रिमोट कंट्रोल की मदद से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट इज़ द लास्ट वन वॉट वॉज डेडी डेजी प्लीज डबाउट डेजी किस बात को लेकर के बहुत ही खुश थी इसको so आंसर है डेजी वॉज प्लीज अबाउट थिंकिंग दैट डेजी यह सोच कर बहुत खुश हो रही थी कि शी कुड स्टॉप टोनी वो टोनी को तब रोक सकती है वैन ही वुड फाइट विद हर जब वो उससे फाइट करेगा तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे थैंक यू